वो ये है कि हमारी फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा उनके नाम पे पिछले कई सालों से ये ना सिर्फ टेनिस की चैम्पियनशिप बच्चे बच्चियों मतलब पाकिस्तान की टॉप जो चैम्पियनशिप है जिसका प्राइस जो है वो वन मिलियन से ज़्यादा होता है और दो दफ़ा इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर भी बुलाए हैं तो ये भी इन लोगों का एसाज़ हासिल है मैं शुक्र हूँ हमारे लिए हमेशा बुजुर्गों की तरह नहीं हमेशा सारी जिंदगी इन्होंने हमें बड़ा जो है वो ताउन किया है हमेशा जब भी इनसे टाइम मांगा इन्होंने टाइम दिया हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर डेविस कप के कोच पाकिस्तान के फॉर्मर जूनियर नंबर वन कामरान खलील जो इस वक्त पाकिस्तान के एक या दो लोगों में हैं जो लेवल थ्री टेनिस का कोर्स कर चुके हैं इंटरनेशनल उनके वालद हैं फजल सुबहान खलील साहब असल वालेकुम अस्सलाम आप खैरियत से हैं बाबा जी शुक्र है अल्लाह का अच्छा हम इन्हें बाबा जी प्यार से कहते हैं क्योंकि इनके साथ एक बड़ी तवील रफाकत है और इनका जो प्यार है देखें कम्पलेक्स तो बना देते हैं कोर्ट्स भी बना देते हैं लेकिन वो पैसा बनाने का जरिया होते हैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी टेनिस में लगाया टेनिस इनका ओढ़ना टेनिस इनका बिछोना और पाकिस्तान में आप जितने बच्चे देख रहे हैं अकील खान हो मोहम्मद मुजम्मिल हो या नई जनरेशन ये सारी जनरेशन कहीं ना कहीं फजल सुबहान साहब की कहीं ना कहीं मकरूज है कहीं ना कहीं इनका इनके पीछे हाल है तो आ, बाबा जी मैं तो आपको बाबा जी हाँ। कहूँगा बाबा जी क्या देखते हैं जब आप एटीज़ में थे तो पाकिस्तान के पास तो कमाल के प्लेयर होते थे चाहे आप आ, हक बरदरान की बात करें रशीद मलिक मुसफ़ एक से एक खालिद और बड़े बड़े चैंपियंस होते थे कई नाम तो मैं सारी बात है नहीं ले रहा आप लेंगे अभी <ससवाग़ा> और फिर उसके बाद एक वक्त आया 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं एक ही नाम है अगर मुल्क में बात करें तो अकील खान और अगर हम इंटरनेशनल एक नाम लें तो ऐसा हक क्या हो गया है टेनिस को दरअसल में टेनिस एटीज के दौर में अगर आप जाए तो वहाँ वो हमारा गोल्डन पीरियड था टेनिस का उसमें जिस तरह हसीब असलम था रशीद मलक था इस तरह जनाब मोहम्मद खालिक मोहम्मद ख़ालिद ये भाई और हकबरदरान हक हो गए ये, ये इस्लाम हाँ इस्लाम ये पूरी एक चेन थी जो कि चलती आ रही थी और बड़ा फेडरेशन भी इन्वॉल्व होती थी एसोसीशन्स भी इन्वॉल्व होती थी और जो क्लब्स बेसिकली ये क्लब्स में खेली जाती तो क्लब का जो क्रीम है वो बड़ा हेल्पफुल होता था अब आस्ता आस्ता ये शुरू हुआ एट्टीज़ फिर नाइन्टीज़ आया उसमें फिर चीज़ें जो हैं वो बा... हर बंदे ने ना अपना वो जो मेन रोल था वो जो फैमिलीज़ वाला माहौल था वो आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू रिसेंटली अभी हमारे पास जो पिछले दस साल हैं उसमें चौदह साल बल्कि कहने उसमें एक अकील खान है जिसने बड़ी मेहनत की अपने आप को उसने मेंटेन किया इसी तरह जो पंद्रह साल पहले वाला पीरियड था उसमें हमीतुल्ल के एन ने उन्होंने मेंटेन किया मगर वो जो आर्गनाइज़ होती थी आ, लेवल पे फेडरेशन लेवल पे उसमें कुछ कमी आई है अच्छा देखें अभी आपने नाम लिया अकील था जलील था फिर इनका छोटा भाई यासिर था लेकिन था। बाबा जी जो आपका एटीज का दौर था वहाँ तो एक के बाद एक चैंपियन आता था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था इतना टफ कंपटीशन था कभी रशीद जीत जाता था कभी इनाम जीत जाता था कभी अमीद कभी खालिद कभी खालिद कभी मूसफ़ यानी कि ये एक रूटीन वाइज नए नए लोग जीतते थे जी। लेकिन अब बाईस बीस साल से हम देख रहे हैं वन एंड ओनली अकील खान अगर हम देखें अब वो चालीस साल का हो गया अकील खान अब भी वो उसको या मुजमिल थोड़ी टक्कर देता है वो भी आपकी प्रोडक्ट है आप लाए हैं और आपने उसको जब फेडरेशन ने उसको बैन कर दिया फेडरेशन ने उसके ऊपर ताले लगा दिए आपने ना सिर्फ उसको जगह प्रोवाइड दी इंटरनेशनल मैचेस में टर्की वियतनाम आगे पीछे हमीदुलक ने भी उसकी बड़ी हेल्प आउट किया है कोई शक नहीं है शोएब एक बच्चा और है इसके अलावा पाकिस्तान में जो आबिद थे और बाकी सारे थे एक जनरेशन आई थी जो टक्कर देती थी अकील को ये और बात है अकील बीस साल में शायद पांच टूर्नामेंट्स भी नहीं आ तो क्या वजूहत हुई क्या फेडरेशन एट फॉल्ट थी हालांकि क्रेडिट जाता है अल्लाह बख्शे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और पैटर्न भी थे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सैनिटर दिलावर अब्बास साहब कि उन्होंने इतनी बड़ी एक जगह जो है बच्चों बच्चियों के लिए बना दी लेकिन सुबह साहब ये जगह बना तो दी यहाँ समझ ही नहीं आती है किस बेस पे एंट्रीज होती हैं किस तरह बच्चे आते हैं क्या होता है किस तरह खिलाया जाता है और फेडरेशन आज से पाँच साल पहले सलीम सैफुल्ला साहब जब मैं बहुत एक्टिव था तो वो फरमाते थे कि ये ओल्ड वॉरियर्स हैं वेटरन्स हैं असाम और अकील तो यही वैटरन्स हमें अभी भी जिताते हैं ये वेटरन्स जहाँ बैठते हैं हम फारिग हो जाते हैं तो बच्चों में पोटेंशल नहीं है हंगर नहीं है फेडरेशन उस तरह इन्वॉल्व नहीं है या आप ये समझते हैं हुकूमत की भी कमज़ोरी है देखिए जी जहाँ तक टैलेंट का और पोटेंशल का ताल्लुक है वो हमारे प्लेयर्स में बहुत हद तक जो रिक्वायर है वो है सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइज नहीं है आ, हर बच्चा जो है वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स करके वो खेल रहा है, फेडरेशन लेवल पे मैक्सिमम वो लोग करते हैं कि वो कैंप्स लगा देते हैं जो कि 10 दिन का 15 दिन का होता है या महीने का होता है तो उसमें तो टे... प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं होती जब तक कि एक मुसलसल प्रोग्राम ना चल रहा हो और उनके लिए चीज़ें अरेंज ना हो दूसरा एक्विपमेंट भी महंगा हो गया है एक्सपेंडिचर भी प्लेयर इंडिविजुअल सारे एफर्ट्स कर रहे होते हैं वो वो अब इन चीज़ों को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं वो उनके वस से बाहर निकला हुआ है तो इसमें गोवर्मेंट को भी चाहिए कि वो भी इसमें पार्टिसपेट करे प्राइवेट uh, कंपनीज़ को भी चाहिए कि वो भी स्पॉन्सरशिप दे बच्चों को फिर स्कूल लेवल पे प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं हम लोग तो ये एक मुसलसल अमल है और ये सारे मिल कर एक एफर्ट करेंगे वो तो जो कोऑर्डिनेशन है पेरेंट्स में फेडरेशन में एसोसिएशन में वो हमें नजर नहीं आती सुबह साहब आठ साल हो गए अब भी ये सलीम सैफुल्ला मैं नहीं समझता आप इस सवाल का जवाब उस तरह ना दे पाए लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह जूनियर्स को बाहर भेजना चाहिए देखें जूनियर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए टानेस उनके लिए अगर आप उनसे पैसे लेंगे कैंप्स के भी पैसे होंगे अंदर जाने के भी पैसे होंगे तो आप चैंपियंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे दरअसल में ये जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का जो कॉम्प्लेक्स है ये सेनेटर सैयद से दिलावर अब्बास साहब का एक एहसान है इस कॉम के ऊपर ठीक है रीज़न ये कि जिस तरह किसी गांव में किसी शख्स का होजरा नहीं होता इसी तरह पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का अपना टेनिस कोर्ट ही नहीं होता था तो ये उनकी एफर्ट से ये जगह बनी है और इसको चाहिए बनी थी कि पैसे कमाए जाएं ये देखें जी ये अब इंतजामिया का अपना डिसीजन है सुभान साहब जो काम फेडरेशन को करना देखें बात ये है कि दावे करना बड़ा आसान होता है अब मुश्किल ये है कि हम तो सारी स्पोर्ट्स कवर करते हैं सारी जिंदगी हमने गुजार दी बड़े बड़े चाहे वो सैनिटर दिलावर अब्बास साहब हों चाहे कलीम इमाम साहब हों चाहे ये अब आठ साल इनके पूरे होने वाले हों चाहे इससे पहले आप चले जाए कोई हों बात यह सुभान साहब के जो रोल आप प्ले कर रहे हैं, आपने यहाँ पे ना सिर्फ एकेडमी बच्चों की लगाई है बड़ों की लगाई है रिहाइश दी है अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं कोचेज आपने लगाए हैं अपना बेटा जो लेवल थ्री पाकिस्तान में कितने लेवल थ्री कोच हैं, वो भी आपने इधर दिया हुआ है आपने डेफ और डम के लिए भी अकेडमी बनाई हुई है जिसे कहते हैं स्पेशल स्पेशली एबल्ड के लिए भी लगाई हुई है आपने पाकिस्तान का जो फ्यूचर है मुजम्मिल वगैरह उनको रिहाइश भी दिया उन्हें बाहर भी भेज रहे हैं तो एक प्राइवेट क्लाब जिसको वो रिकन भी नहीं मिलती उसका ये काम है देखें जी इस सारी एफर्ट्स में मैं सबसे पहले एयर मार्शल शाहिद आमिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और ये काम्प्लेक्स बनाने में हमारी मदद की फिर उसके बाद सेनेटर ताज हैदर साहब जो पिछले आठ साल से आ, 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 इस एकेडमी की खुद भी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस भी होती है हर वक्त यहाँ मौजूद भी रहते हैं बेनज़ीर जो भी टेनिस हर साल आप लोग करा रहे हैं नो डाउट सिंध गवर्नमेंट है एंग्रो है और आप लोग यस ताज अदर साहब माशाल्लाह बड़े इंस्ट्रूमेंटल होते हैं कोई शक नहीं देखिए जी ये जो स्पेशल बच्चों का प्रोग्राम है ये एंग्रो वालों ने स्पॉन्सर किया है हमने पूरे पिंडी इस्लामाबाद के जो वो बच्चे जो के अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने हफ्ते में पाँच दिन कोचिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं या आके खेलते हैं बारा कौन भी आप आप देते हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं इवन हम उनको आने जाने का किराया भी देते हैं तो वो जो बारह काऊ और पिंडी और ये सारे बच्चे आते हैं फाइव डे वीक ये हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है यहाँ पर फिर ये स्पेशल बच्चे हैं ये इनका थ्री डे अ वीक चल रहा होता है प्रोग्राम फिर हमारे अपने क्लब के जो मेंबर्स हैं फिर मैं इस सारे इसमें मेरे जो क्लब के मेंबर्स हैं ये बड़े कोऑपरेटेड हैं हर चीज़ की उसल... जी उसल... कोऑपरेट करते हैं ये लोग तो थैंक्स फिर मौसम स्पेशली आपका आप शुरू से ही हमारे साथ एंगेज हैं इस एकेडमी को फलते फूलते आपने देखा है आप आ, की जो कॉपरेशन का बड़ा आ, रोल है, इसमें स्पोर्स स्पोर्स नहीं है सारों ने इसमें बड़ी एफर्ट की ये वन मैन शो नहीं है इसमें प्रेस मीडिया वन मैन शो तो है ना देखिए अगर आप इसमें दिलचस्पी ना लेते आपने क्या बनाया कुछ भी नहीं आपने इस्लामाबाद में जब जो लोग आज आए और कहाँ पहुंच गए आपने अपनी सारी जिंदगी टेनिस को दी आज भी इस उलिया में आज भी आप ट्राउजर में आज भी आप टी शर्ट में <laughs> अब मुझे ये बताएं सुबहान साहब के बच्चियां तो ना होने के बराबर हो गई हैं हाँ। अगर आप ईमानदारी से देखें तो शायद एक दो बच्चियां हैं जैसे वो एयर कमडोर अफ्ताब साहब हैं उनकी बच्चियाँ बच्ची कह लें हाँ। या बच्चियाँ कह लें माह एक आप कह सकते हैं रशीद मलिक साहब ने अपनी बेटी तैयार की हुई है बाकी तो सारी अबुशना हैं या सारा महबूब है सारा मंसूर थी पहले वो चली गई हैं तो महक कॉकर थी तो ये टेनिस लड़कियों की क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अकील कितने साल शाम और अकील आप समझते हैं और खेल लेंगे बैकअप प्लान क्या क्या शुएब क्या मुजमिल इनमें वो गट्स हैं कि ये संभाल सकें टेनिस का बोझ देखिए जी मुजमिल और शुब ये दो बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनमें पोटेंशल है और इसको ये लोग उम्मीद है हमें कि ये अगर मेहनत करते रहें तो इन कुछ ना कुछ इंटरनेशनल जीत जाएंगे पाकिस्तान में खेल के आ, नहीं इनके साथ जो जुल्म हुआ है ज्यादती हुई है सर देखिए इनके साथ आ, भी हो रही है तरीका ये है कि क्लब प्लेयर बनाता है वो क्लब एसोसिएशन के उस प्लेयर को हवाले करता है एसोसिएशन वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को देती है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का काम है कि उनके लिए कहाँ एक्सप्लोर करें हाँ, करे। अभी नीचे क्लब से ये काम निकल गया है जब तक आ, टेनिस फेडरेशन मिलकर ये लोग इन बच्चों को पाकिस्तान से बाहर नहीं निकालेंगे तो इन, इनकी गेम यहीं रहेगी मैं आपको मिसाल देता हूँ मुजम्मिल की मुजम्मिल अभी पहले टर्की गया वहाँ वो क्वालिफाई नहीं कर पाया क्वालिफाई में एक में जनाब वो आ, क्वालिफाई में वर्ल्ड 80 के लिए उसको मेन ड्रॉ में चांस मिला 180 के साथ थ्री सेट्स में चला गया अभी मुजम्मिल वतनाम गया है वहाँ उसने आ, आ, क्वालिफाई किया नीचे से दो तीन राउंड जीत के और मेन ड्रॉ खेला उसने तो इस तरह मेरे पास मिसाल है जब मैं ले के गया था अकील को और आसिम शफीक को और आ, 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 कामरान को इनको जब मैं इटली फ्यूचर खिलाने ले गया तो वहाँ पर पहले राउंड में आ, हम क्वालिफाई नहीं कर सकते थे इस तरह आस्ते आस्ते जब महीने की आखिर हुई तो बच्चे जो हैं वो मेन में पहुंचना शुरू हो गए तो इनको आपने ट्रेवल चाहिए जी बिल्कुल अगर आपने प्लेयर पैदा करने हैं प्लेयर बनाना है वरना पाकिस्तान लेवल में तो ठीक है इंटरनेशनल जीरो हो जाए। इंटरनेशनल आपने इनको इंटरनेशनल साहब आप ईमानदारी से क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का टेनिस में मुस्तबिल क्योंकि अकील मैं नहीं समझता है शाम और अकील ज्यादा बहुत कमाल कर दें तो शायद 2022 शायद 23 इसके बाद क्या होगा देखें जी ये अकील का और हक की हिम्मत है कि वो अभी तक चल रहे मगर आ, वो उन्होंने अपनी औक़ात से बढ़ कर मेहनत की है अभी भी कर रहे हैं वो लोग है। तो उनको क्रेडिट तो जाता है मगर हमारे जो टेनिस के जो इंतज़ामिया है उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दो साल या तीन साल के बाद हम क्या करेंगे नहीं तो ये नहीं। तो आठ साल हो गए ना आठ साल से यही सदर है सर देखें Uh, सदर और भी उन्होंने अपना ही रखा हुआ देखे जी वो उनकी अपनी मैनेजमेंट है मगर ये जो बच्चे और आज आप जो काम कर रहे हैं ये आपका काम है सर हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम एक छोटा सा बीच कंट्रीब्यूट तो कर, uh, कर रहे हैं इसमें इसमें अभी जो मेन चीज है वो ये जो बच्चे अभी अवेलेबल है ये आठ छः बच्चे हैं जो कि अवेलेबल है इनको पॉलिश करें ये लोग अच्छा सुबहान साहब मुझे ये बताएं एक तो थोड़ा सा अपनी अकेडमी का बता दीजिए जो आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहबा जो शहीद थी उनके नाम पर रखी इसका कॉन्सेप्ट क्या था मतलब क्यों बनाई क्या जरूरत पेश आई कितने बच्चे हैं ये ऑब्वियसली विदाउट इन्वेस्टमेंट ये फिनंशल असिस्टेंस के ये चल नहीं सकती तो कैसे है कितने बच्चे इसमें हैं बच्चियाँ कितनी हैं और उनमें आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है कि आगे चल के पाकिस्तान को या बस अकेडमी की हद तक रहेंगे और खत्म सर देखिए हमने जो अभी कोई साल पहले इसको हमने एकेडमी को स्टार्ट किया है इसमें हमने बचे जो लिए हैं वो है दस साल आठ साल पाँच साल और ये एक प्रोसेस है में रखा। जी ये उसमें रखा और मैं खाना, खाना उस उनको हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको हम कोचिंग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम आने जाने का ख़र्चा दे रहे हैं स्पेशली मैं सेनेटर ताज हैदर साहब का मशहूर हूँ बीबी शहीद के नाम पे वो ये एकेडमी चला रहे हैं और इन कुछ अरसे के बाद अभी हमारे पास मुजमिल भी इसमें है उसका एक छोटा बच्चा एक बड़ा हाँ, जबरदस्त बच्चा है वो है एक मेरा अपना उसका तो थोड़ा बताएं कैसे आया क्या नाम है कितना उम्मीद है सर वो बच्चा जो है वो माशाल्लाह उसमें बड़ा पोटेंशियल है और दो साल के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बच्चा आगे, जाए आ, आगे जाएगा उसके साथ क्या है उसका नाम भूल नाम नाम जेमिनी है चले कोई बात हां वो जो है वो पोटेंशियल है फिर एक और बच्चा है अब्दुल वासे जो हमारे क्लब का ही है वो है तो दो ये एकेडमी में कितने बच्चे हैं जो एकेडमी में तकरीबन 16 बच्चे हैं 16 बच्चे आपका सारा लुक आफ्टर आप लुक करते आफ्टर और पीछे से, से सेंटर दिला ताज हैदर साहब ताज हैदर साहब अच्छा सुभान साहब ये जो आपने ये रखा है इनके लिए स्पेशली एबल्ड पर्सन ये क्या कांसेप्ट था ये किसका आईडिया था और कौन लोग हैं सर ये ये स्पेशल चिल्ड्रन का जो आइडिया था ये आ, कामरान खलील खली, का आइडिया था लेवल थ्री वो उनके साथ अटैच था उनको हमने इनवाइट किया और आ, मैं स्पेशली मशहूर हूँ एंगरो वालों का कि उन्होंने इसको इस प्रोग्राम को पिक किया और स्पॉन्सर किया और वो चला रहे हैं पिछले एक साल अच्छा से साहब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कोच ए फॉर्मर जिसने सारा पाकिस्तान को देखा है टेनिस को कितना आप उम्मीद है पाकिस्तान के टेनिस के फ्यूचर के हवाले से सर अगर हमारे टेनिस के करता धरता अगर ये आज फैसला कर ले कि हमने इस टेनिस को ऊपर ले के जाना है और इनमें उन उस प्लानिंग में उन लोगों को शामिल किया जाए जिन्होंने इस टेनिस ट जिंदगी दी, दी है, दी है। वो आप एक... तो वो शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आप तो सीधी बात करते हैं सर ये जब कर लेंगे तो फिर इनशाला उम्मीद है ना उम्मीद नहीं टेनिस जो है वो आ... और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो यही हालात रहेंगे ये हालात तो नहीं रहेंगे ना सुबहान साहब अगर अकील और असाम खत्म फिर क्या होगा सर पेरेंट्स अपने थ्रू ट्राई कर रहे हैं इंडिविजुअल ट्राई है आप भी मानते हैं बड़ा एक्सपेंसिव है कौन चालीस हजार का साठ सा, रुपए का बालों का डब्बा होता था किसी ज़माने तो अब ग्यारह सौ रुपए का बालों का डब्बा हो गया रैकेट जो पांच का होता था पाँच छः हजार का होता था वो अब साठ हजार चालीस हजार रूपए तो महंगी गेम है और लेकिन उम्मीद मैं आप जब तक आप हैं ये बेनजीज के नाम पे जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी ये इनशाला चलता दोबारा हम उम्मीद कर सकते हैं इन शाह हमारा इस नेक्स्ट ईयर पहला एडिशन था इफ नॉट या पहला या पहला दूसरे में कोई 200 से ज्यादा प्लेयर थे देखिए ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में बाहर से कोई प्लेयर नहीं आता, आता था।, नहीं था हमने इनवाइट किया और 28 मुल्कों के प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जिसमें अमेरिका भी था इंडिया भी था रशिया भी था यूरोप भी था जर्मनी फ्रांस पूरी दुनिया की तरफ से प्लेयरों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहीं से उसके बाद फिर बाकी गेमों में भी प्लेयरों ने आना शुरू करा और लोगों की आंखें खुली फेडरेशन ने भी बुलाने शुरू किए बिल्कुल अच्छा जूनियर जो टूर्नामेंट्स हैं आईटीएफ के फीचर्स वगैरह जो होते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट है सर देखें तो आप यहाँ से एक बच्चा भेज देंगे दो भेज देंगे लेकिन जब आप खुद पाकिस्तान में कराएंगे तो आपके अपने बच्चों को बड़ा चाहता सर अगर आप एक साल में तीन चार टूर्नामेंट ये करवा लें और बजाय एक प्लेयर दो प्लेयर को बाहर भेजने के लिए तो एक तो ये फ़ायदा है कि वो बाहर जो हमने जाके अपने बच्चों को दिखाना होता है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, है। तो हमें बाहर भी जाना चाहिए और मुल्क के अंदर भी हमें इन इवेंट्स को लेना चाहिए बसमिल्लामान रहीम तो प्रोग्राम खेल कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल मोहसिन अली हमारी खुशकिस्मती है कि आज बहुत अरसे के बाद यहाँ की एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लड़कों को हरा देती थी हम हैरान परेशान हो जाते थे कि ये क्या भाई तानस है कि जिसमें एक लड़की लड़कों को हरा देती है तो हमारी खुशकिस्मती है मौजूद है बहुत इन्वॉल्व है और मजे की बात है कि इनकी पूरी मतलब चाहे इनके हस्बैंड हो चाहे ये खुद हो और इनके दोनों बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे आज माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी यहाँ मौजूद होते थे हमारे साथ मौजूद हैं जी इस इस्लामाबाद टेनिस कम्प्लेक्स की जिसे कहते हैं बानी मेंबर्स में से हालांकि वो लगती नहीं है बानी मेम्बर्स होंगे लेकिन हैं आ, खतिजा लगारी आ... लगा छुट्टी नहीं है अच्छा, मुझे ये है, आप तो बहुत अरसे खेल रही थी बहुत इन्वॉल्व है और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है ये नहीं कि आप साथ बैठी है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ आपके चाहे हस्बैंड हो चाहे आप हो आपने हमेशा फाइनेंशियली अपने बच्चों की तरह इस्लाबाद टेनिस कम्प्लैक्स में जो भी सूरतमंद नज़र आया जिसको भी टेनिस से शौक़ था आप लोगों ने हमेशा आगे बढ़ कर किया और यहाँ भी भी एक आज जगह ऐसी है जो आप आप ही लोगों की बनाई हुई है और अब आप लोग हालांकि उस तरह आप खुद बार भी आप लोग चले गए फिर आप वापस आई फिर इस्लाम टेनिस कम्प्लैक्स अब एक साल से ज़्यादा हो गया आप आई टी सी लीग करा रही हैं तो ये सारा इतना शौक़ इतना जुनून इतना पैशन टेनिस के लिए क्यों मैंने देखें ख़ुद टेनिस लेटर लाइफ में स्टार्ट की है लेकिन शौक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है शौक़ आप जिस तरह एक बच्चे को था उसी तरह मुझे जिस तरह सिखाई गई थी वो लिटरली एक बच्चे की तरह ही थी और फिर मेरे दोनों बच्चे जैसे आपने बताया तो हम बड़े हुए हैं इन कोर्ट्स पे mm. लिटरली मुझे नहीं लगता जब मैं घर से निकलूँगे मैं कहीं और जा रही हूँ मुझे लगता है अपनी जगह ही जा रही हूँ दूसरा स्पोर्ट की एक बहुत अहमियत होती है हर यंग एडल्ट की लाइफ में एक रिक्रिएशन और एक फ़िज़िकल जो है ना वो कोई भी फिजिकल स्पोर्ट लेके चले हम तो चलो टेनिस से लगाओगे वरना और भी बहुत सी हैं इट्स अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ये मेरी बहुत बिलीफ है मेरे दोनों बच्चे खेल के बड़े हुए मैंने देखा उनको किस तरह से सोशली भी हेल्प करती है कॉलेज के अंदर भी मतलब इन कॉन्फिडेंस बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं स्पोर्ट के थ्रू ऐसे दौर में खतीजा जब लोग लैपटॉप मोबाइल्स और वो एंड्रॉड्स और फलाना और ढिमकाना और पबजीज गेम में इस दौर में आपको कितना आज यहाँ हम जब आते हैं ग्राउंड लगता है। कितना फीलिंग यही तो बात है सारी वो स्पोर्ट आइसोलेशन की की तरफ तरफ लेके लेके हैं ये आपको करने आती सिर्फ एटमोस्फेयर में ही आना और एक स्वेट ब्रेक करना भी itself, का एक आता है। प्लस आई थिंक इसका सोशल एंगल भी बहुत बड़ है। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है इसके पीछे क्या वो है देखें मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत आसान चले हम जैसे रैकेट उठाया शौक से खेल लिया वो शौक से खेल लेकिन तो नहीं ये तो मेरे कोच की सारी जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं बता रही हूं। लेटर में खेला, लेकिन रगड़ा लेटर उतना ही हाँ लेकिन तो आप उस वक्त भी माशाला बेहतरीन खेल रही थी मैं अगेन अपने कोच को क्रेडिट दूंगी जिन्होंने मुझे पंद्रह सोलह साल की लड़की की तरह मुझे याद उन्होंने कहा था तेरा रंग नहीं चलेगा तो टेनिस नहीं सीखेगी और दस से बारह की धूप में मैंने सीखी है टेनिस बकेट्स मार मार के अच्छा आपको लगता है क्योंकि अब आप 10-12 साल तो हो गए हैं आप यहाँ खेलते हुए आपको जी जी। आपको लगता है उस तरह का पैशन उस तरह की कमिटमेंट हालांकि आप लोग जो बैकग्राउंड है वो वही बात है कि धूप में तो आप निकलते नहीं थे लेकिन आपने पैशन को अपने शौक के लिए सब कुछ किया मैं, वो शौक नजर आ रहा मैं आपको बताऊं जो स्पोर्ट्समैन है ना वो पैशन को हमेशा समझेगा पैशन जो रियल है वो वो की स्पोर्ट्स के थ्रू हो सकता है जो स्पोर्ट का पैशन है वो एक और लेवल का पैशन है सो so, जो भी कोई स्पोर्ट्समैन है वो इससे रिलेट कर सकता है और मेरे ख्याल है बच्चों के लिए ये बहुत इंटेग्रल चीज़ है तो हमारे लिए लीग ये करना था कि दे हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ कंपेटेटिवनेस भी एक आप कह लें ना कोई चैलेंज उनको आता है कोई लीग खेलते हैं लैडर में ऊपर जाने के लिए एक सोशल एंगल भी है उसका वही बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं एवरी वीक मिल रहे हैं सो देस आर लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स टू इट ये एक लीग शुरू करने से आपको ये कोच खुद बताएंगे कि कितना डिफरेंट डाइमेंशंस में इसके फायदे एडवांटेजेस आने शुरू होते हैं अच्छा आपने लीग करवाई बच्चे आए बच्चे देखे ये तो उनको कोई कैश इंसेंटिव भी देते हैं या कि चलो बस इतना ही है कि चीजें-वीजे दे दी और आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है इसी में है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपने पूरी दुनिया देखी है जी जी पूरी दुनिया घूमी है और लकीली या अनलकीली आप पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में भी जाती हैं हुँ, देखती हुँ, हैं हुँ, सारा कुछ आपको लगता है कि जो काम पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का था जो जिस तरह बाहर जब गई आपने देखा होगा बच्चे उनको किसी ना किसी तरह दिए जाते हुँ, हैं हुँ, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता वो काम यहाँ ये नहीं कि आप यहाँ खेलती हैं ये नहीं कि हमारे यहाँ पे उठना बैठ अब ईमानदारी से समझती हैं जो काम फजल सुबहान साहब जो काम कामरान खलील कर रहे हैं जो काम इस्लामाबाद टेनिस कम्प्लेक्स कर रहा है कि ये ना सिर्फ रिहाइश दे रहा है कोचिंग दे रहा है खाना पीना बल्कि बाहर भी भेज रहा है ये काम पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का था ऑफ कोर्स। टेनिस इज अ वेरी निगलेक्टेड स्पोर्ट अगर आप देखी जाए तो ना मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कोच करें और करें कितना हद तक हम आगे चले जाएंगे उसके बाद किसी ने तो हाथ थामना है ना अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम लेके जाना है और कंट्री को ये ग्राउंडिंग वर्क छोटा मोटा तो कर लेंगे लेकिन आगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी स्टेट की आ जाती है ना इसको मज़ीद प्रोग्रेस है लेकिन यहाँ पे अकील और फिर हमारा क्या फ्यूचर है अकील और असाम जैसे आए थे वैसे और भी आएंगे आई एम श्योर निकलेंगे उनको भी कोई होपफुली मिलेगा जो उनका हाथ पकड़ेगा और आगे ले जाएगा अगर स्टेट नहीं करेगी तो फिर कब मिलेगा आपका क्या ख्याल है ये अब मैं

स्टेट की हंड्रेड परसेंट पड़ेगी ये थी जी हमारे साथ खतीजा लगा रही खुद भी खेलती है इनके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे जब खेलते थे अब माशाल्लाह मुझसे भी हाइट में बड़े हो गए होंगे डेफिनेटली और ये शुरू से इस्लामाबाद टेनिस कम्प्लेक्स में विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना कोई वो नहीं है कि ये अमीर है ये गरीब है ये लोग शुरू से टेनिस के साथ इन्वॉल्व हैं टेनिस की हेल्प आउट कर रहे हैं और देखें अगर इस तरह के और भी लोग आएंगे ये जो इन्वायरमेंट है ये जो माहौल है ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है क्योंकि यहाँ डिप्लोमेट्स भी बहुत आते हैं फैमिलियों के साथ आते हैं तो इसमें ज़रूरत है खतीजा जैसे कह रही हैं कि फेडरेशन को आगे आने पड़ेगा ये है या फजल फज़ान है या कुछ और लोग हैं ये एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टेनिस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जी बसमैक्म कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल में एक मर्तबा फिर प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिनली हाजिर खिदमत है इससे पहले हमने आपसे फजल सुबहान खलील साहब जो फॉर्मर डेविस का कोच है और इस्लाबाद टेनिस कम्प्लेक्स के एम डी हैं उनसे बात की फिर यहाँ की बड़ी पुरानी मैंबर हैं बानी जिसे कहते हैं पानियर मैंबर हैं खतीजा लगारी साहबा जो यहाँ पर बड़ा हेल्प आउट कराती हैं और इसके अलावा लीग भी कराती हैं उनसे बात कराई अब हम आपको बात कराएंगे आ, कमरान खलील साहब से जो पाकिस्तान में एक दो ही लेवल थ्री कोच है इंटरनेशनल जो ये करके आए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर जूनियर नंबर है नेशनल चैंपियन थे जूनियर में क्या वजुआत हुई इनकी इंजरी ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया क्यों ये कोचिंग की तरफ आए इस्लाबाद टेनिस कम्पलेक्स में वालिद साहब को देख के या खुद से शौक था तीनों भाई टेनिस में इन्वॉल्व है और इन्हें टेनिस का क्योंकि ये मुजम्बिल वगैरह या जो नए बच्चे हैं इससे पहले इन्होंने पहला पाकिस्तान का का एशिया जूनियर अंडर 14 जो बनाया नोफिल कलीम इमाम। उसके भी कोच ये थे ये सारी बातें इनसे पूछते हैं और इन्हें क्या लगता है कि एहसाम और अकील के बाद पाकिस्तान का फ्यूचर है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन काम अपना ठीक कर रही है असलामैकमान साहब वाले आप खैरियत से हैं

के सुभान के हैं कामरान साहब जी तो हमारी फैमिली हिस्ट्री जो है वो स्पोर्ट्स से ही उस टेनिस से, से ही है और जब मुझे अपने अर्ली प्राइम में जब मुझे इंजरी हो गई तो मेरी एजुकेशन भी साथ-साथ मैं कर रहा था तो फिर मुझे लिखे जी, ना। जी तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं मेरा जो पोटेंशियल है वो कोचिंग में है और फिर मैंने ट्राई आउट किया आया और फिर देखा कि चीज़ें चल रही हैं और वो एक पैशन सा डेवलप हो गया और फिर कुछ प्लेयर्स का कर काम करने का मौका मिला तो इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ एक स्टेप से और फिर करते करते आज। अपना था फैमिली का था वालिद का था असल क्या था टेनिस में लाए थे वाल साहब उनका शौक़ था हम तो जाहिर है छोटे थे हम तो खेल कूद के ज़्यादा शौकीन थे और तरह, तरह जो मगर ये कि बाद में जब टेनिस ख़त्म हुई तो कोचिंग की तरफ फिर मेरा अपना शौक क्या आ? हुई थी आपको सर मुझे नी मेरा लिगामेंट जी, जी लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से मैंने बहुत अरली टाइम पे टेनिस क्विट कर दी।, दी थी और फिर मैं कोचिंग की तरफ में आ गया था अच्छा कामरान साहब आपने क्योंकि लेवल थ्री कोचिंग की है मुजम्मिल हो गया अकील हो गया ये बच्चियाँ जितनी भी हैं सबके साथ आपने इमाम आपकी प्रोडक्ट थी जी जी जो एशिया में पाकिस्तान का पहला अंडर 14 नंबर वन बना और टूर्नामेंट्स भी ऑब्वियसली उसने खेले कई प्लेयर आपने प्रोड्यूस किए क्या लग रहा है कामरान साहब के अकील असाम के बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर है या आप समझते हैं नहीं और क्या फ़र्क आ गया जब आप टेनिस खेलते थे और अब आप कोचिंग करते हैं देखिए जी फ्यूचर हमारा अगर हम बेहतर प्लानिंग करें और बेहतर प्लानिंग साथ च, चलें तो डेफिनेटली <laughs> पाकिस्तान टेनिस का फ्यूचर है टैलेंटेड प्लेयर्स भी हैं मगर पहले के हालात में और अब के हालात में काफ़ी फर्क आ गया हैमरान साहब ये जो आपने बनाया टेनिस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद यहाँ आप रात को भी कराते हैं लीग भी कराते जी हैं जी। स्पेशल बच्चों के लिए भी स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए भी कराते हैं ये सारा आपका आइडिया ये ऑब्वियसली लोग आपको हेल्प आउट करते हैं लेकिन आपका पहले ये आप नहीं जारी तौर क्योंकि आपने ऑबियसली आप इधर पाकिस्तान में आई के भी वो रहे हैं कई आपने कोर्सेज भी कराए हैं कई प्रोग्राम भी रन किए हैं आपको नहीं लगता कि ठीक है फिनंसिस की कमी है रिसोर्स की कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है लेकिन जो काम फेडरेशन को करना चाहिए वो काम आप लोग कर रहे हैं देखिए फेडरेशन के मतलब तो मैं कुछ नहीं कह सकता मगर ये है कि हम यहाँ पर तमाम एज ग्रुप्स को हर तरह की कैटेगरीज़ को केटर कर रहे हैं मेरे पास बहुत साल पहले अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है कि मैं बाहर जाके सेटल डाउन हो जाऊँ और वहाँ पर जाके पैसे पैसे कमाऊँ मगर चूँकि मेरे वाले साहब का बड़ा शौक है, है टेनिस डेवलप करने का और उन्होंने ये बड़ी मुश्किल से इस सेटअप को डेवलप किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस तरह मैडम खदीजा लगारी हैं वो बड़ी हेल्पफुल हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं तो मैंने उनके उस ड्रीम से इंस्पायर हो कि इसको इस चीज़ अपना को फ्यूचर लगा दिया फ्यूचर लगा दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने मेहनत वहाँ करनी है मैं यहाँ पर करूँ तो बेसिकली बाकी रहेगी फेडरेशन की बात तो जब तक आप चीज़ों को सिस्टमाइज नहीं करेंगे चीज़ें डेवलप नहीं होंगी पहले ये था कि एसोसिएशन प्लेयर्स को सपोर्ट करती थी लोकल सपोर्ट को हुँ. उनको बॉल का डब्बा दे देती दे थी कोड मिल जाता था तो पेरेंट पे बोझ नहीं था कम बोझ था अब सर ये हो गया कि पे, प्लेयर पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मुजम्बिल मुर्तज़ा की वो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेयर है या पहले दो में से एक है, है। वो उसको बॉल भी अपनी ख़रीदनी पड़ती है उसको रैकेट भी अपना उसको टिकेट भी अपना उसको हर चीज़ अपनी करनी पड़ती है और एक बड़े गरीब फैमिली से उसका तल्लक है तो जब पेरेंट और इस तरह कई और जूनियर बच्चे हैं इस्लाबाद में और मुख्तु शहरों में जो कि ख़ुद अफोर्ड करते हैं और अपनी चीज़ें खुद वो मैनेज कर रहे होते हैं एसोसिएशन की तरफ से या क्लब्स की तरफ से सपोर्ट उनको कम होती है तो अब के और पिछले टाइम में ये फ़र्क है कि जो एड मिला करती थी प्लेयर को वो मिलनी सर बंद हो गई है जिसकी वजह से लोग लो क्विट कर रहे हैं कामरान खलील साहब आपने खुद जवाब दे दिया कि जो काम फटे आप कैसे फिर कर रहे हैं आप यहाँ रिहाइश भी दे रहे हैं आप उन्हें मुजमिल को आपने टर्की भेजा वियतनाम भेजा आप यहाँ पे स्पेशल बच्चों का भी लगा रहे हैं आप यहाँ पे कैंप भी लगा रहे हैं आप यहाँ पे अकेडमी भी 16 बच्चों की रन कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं सर इसके लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है वो आपका पैशन आप बाकी नहीं है उसका होना बड़ा ज़रूरी है कि वो आपके में पैशन है कि नहीं आप साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट किए आपके दौर में, देखने में देखने। और इस दौर में प्लेयर्स में क्या कमी है सर फैसिलिटीज की कमी है सहूलियात ही कमी आप अगर देखें ना सर सिंपल आप एनालिसिस कर लें आ, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अगर आप देखें कि अस्सी की दिहाई में और नब्बे की दिहाई में कोर्ट्स कितने थे मुल्क में और अब कितने हैं आप देख लें कि उस टाइम पे पार्टिसिपेशन ड्रॉज चौंसठ के और एक सौ अट्ठाईस के बना करते थे अब बत्तीस के और सोलह के हैं उस टाइम पे चालीस चालीस लड़कियां हुआ करती थी, थी एक ड्रॉ में अब सोलह अब सोलह भी मुश्किल है सोलह आठ भी नहीं है अगर वो पूरे मुल्क से आ जाए तो सोलह से उस टाइम पे जो था वो आपके जो कैंप्स थे वो लॉन्ग कैंप होते थे तीन तीन महीने के कैंप होते थे अब आपके कैंप का वजूद नहीं अब डेविस कप से का अगर आप एग्जांपल लें तो डेविस कप में भी आपका जो कैंप होता है वो लिमिटेड दिन का होता है दस दिन पंद्रह दिन का पहले दस तीन, दिन मुझे तो नहीं याद पड़ता आप कहते हैं तो ये मैं मैक्मम मैक्सिमम उदाह रहा हूँ मगर पहले तीन दिन, दिन दो पहले तीन तीन महीने के कैंप्स हुआ करते थे बॉल्स रैकेट्स मिला करती थी तो बोझ नहीं था अब जो है हर चीज़ वो चीज़ें सारी अपोजिट हो गई हैं जो एसोसिएशन हैं या जो फेडरेशन है या जो भी और रिलेटेड लोग हैं वो अपनी जो परफॉर्मेंस हैं वो शो करते हैं बाई टूर्नामेंट्स कि कितने टूर्नामेंट कराए इस साल हमने बीस कराए इस साल हमने तीस कराए मगर उनसे यही पूछा जाए कि कैंप्स कैंप्स कितने, कितने आए

जो ये ये बनवाया था था अल्लाह बख्शे सेंटर साहब ने वो इसलिए बनाया कि पैसे जाए। दिख, इस कि पैसे लिए मैं इसमें दो एक राय है लोगों को मुफ्त खेलने दिया जाए। ठीक, ए, जाए ठीक है इसमें से चार्ज किया जाएगा तो, तो टैलेंट कैसे आएगा मेरी नजर में इनको कहीं दरमियाना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा तो ना यहाँ सर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि श्रीलंका के जो टेनिस फेडरेशन के जो कोर्ट्स हैं या थाईलैंड की टेनिस फेडरेशन के कोर्ट्स हैं सर वहाँ पर उन्होंने आवर्स को स्प्लिट किया हुआ है ठीक है और प्लेयर्स को स्प्लिट किया हुआ है ठीक है, है। जो नेशनल टीम जब ट्रेनिंग कर रही होती है उस टाइम पर उनसे कोई चार्ज नहीं हो रहा होता मॉर्निंग टाइम के उनके अलग चार्जेस होते हैं पीक टाइम के उनके अलग होते हैं है। कुछ आवर्स में कोर्ट मिलते ही नहीं है इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि देखें आपने सिस्टम को चलाना भी होता है साथ साथ ठीक है मगर आप ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो हर एक के लिए सूटेबल हो कमरान खलील साहब आप कोई ना तो करोड़पत्ती हैं ना लख हैं ना अरब पत्ती हैं आप इतने सारे प्रोग्राम ऑबियसली जैसे अभी आपने खतीजा लगारी साहबा का नाम लिया आपने ताज हैदर साहब का नाम कई और पर्दा नशीन होंगे अगर आप लोगों पर प्राइवेट क्लब पर लोग ट्रस्ट करते हैं बेनज़ीर भुट्टो के नाम का पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप लोग अगर करा सकते हैं जो कि कराची भी हो सकता है इस्लामाबाद में फेडरेशन भी करवा सकती है तो इसका मतलब है आप पे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट किसने बिल्ड करना है सर देखिए ये हर एक का इंडिविजुअल काम होता है हम जब यहाँ पर किसी को ट्रेन करते हैं या हम किसी से इस्पॉन्सर मांगते हैं तो हमारी जो वलीन कोशिश होती है वो होती है कि हम जो स्पॉन्सर्स हैं उनके ट्रस्ट को मेंटेन करें जो उनकी वो जो उन्होंने जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर हम पूरा उतरें फिर हमारी यहाँ पर प्रायोरिटी होती है कि मेंबर्स फर्स्ट hmm. और इस चीज़ का हमारे जेन में होता है फिर हम हमारे जेन में होता है कि जो है वो प्लेयर्स को सहूलियात दी जाए ना कि hmm. उनसे चार्ज किया जाए तो जो हमारी hmm. लिमिटेशन है वहाँ मैक्सिमम जा के हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं टेनिस का फ्यूचर इस वक्त डार्क नज़र आ रहा है बहुत क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है hmm. अब एक बॉल का डब्बा जो है वो एक हज़ार रुपये का हो गया है पहले जो है वो डब्बे में तीन बॉलें होती हैं बताएं तीन बॉलें होती हैं और तीन बॉलें दो दिन मुश्किल से चलती हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते गट महंगी हो गई है ट्रैवलिंग महंगी हो गई है तो अगर गवर्नमेंट या फेडरेशन इसके ग्रास रूट लेवल पर इन मिसाइल के उसका हल नहीं निकालेगी और कोई सब्सिडी नहीं देगी या कोई असिस्ट नहीं करेगी प्लेयरों को मुराद नहीं देगी कोई गड्ड दे दी किसी को कोई बॉल दे दी किसी को कोई रैकेट दे दिया तो सर ये काम बड़ा मुश्किल uh, yes, जी तो जनाब कैपिटल टी वी और कैपिटल डिजिटल पे प्रोग्राम खेल आज के लिए था आपने देखा कि फजल सुबहान साहब ने क्या कहा खतीजा लगारी साहबा ने क्या कहा और कामरान खलील साहब ने क्या कहा फैसला आप पे छोड़ देते हैं ऑबियसली ये तो फेडरेशन को क्योंकि टेनिस रन करनी है मिसाइल होते हैं लेकिन फैसला अगर हम आवाम की बात करें तो फैसला यही है आठ साल से सलीम सैफुल्ला खान साहब सदर हैं और अपनी मर्जी का उन्होंने आठ साल से सेक्रेटरी से अब चार साल से जो सेक्रेटरी है यही दोनों बेस्ड है रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी है लेकिन फिर भी और टेनिस किस तरफ जा रही है वो आपके सामने ही है अकील असाम माइनस कर दें जीरो अगर ये प्राइवेट इस्लामाबाद टेनिस कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ रिहाइश दे सकता है खाना दे सकता है लीग्स करा सकता है स्पेशल बच्चों को खिला सकता है तो फेडरेशन ऐसा क्यों नहीं कर सकती अपना रखिए बहुत सारा ख्याल नेक्स्ट शो में किसी और खेल के ऊपर बात करने के लिए हाजिर होंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय